इस बात को समझना पड़ेगा। डर कब तक है? फिर से दास एक बात ले ले, डर क्या है? अंधेरा। अंधेरा क्या है? अज्ञानता। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो जाता तब तक हम डरेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर अंधेरा है, अज्ञान है। बिल्ली रास्ता काट जाए, रुक जाते हैं, अज्ञानता है। डर, डरते क्यों है? रुक क्यों गए? डर गए। डरे क्यों? क्योंकि अज्ञानता है। बिल्ली रास्ता काट गई, अब रुक जाओ नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब बिल्ली कहीं पर बैठी तो नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। जहर से बोली धन गुरु नानक, कोई छींक मार दे तो हम रुक जाते हैं, काम खराब हो जाएगा। इसको सर्दी हुई है ऐसा क्यों नहीं सोचते? कोई पीछे से आवाज दे दे तो हम घबरा जाते हैं, अब काम नहीं होगा जिस काम के लिए जा रहे थे। ये क्या है? अज्ञानता। डर किस बात का है? अज्ञानता का। ऐसे तो किसी का बिजनेस फेल करना हो उसको पीछे से आवाजें देते रहो, घर से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए। डर क्यों है? जब तक अज्ञानता है। ज्ञान हो गया आदमी हंसता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर नींबू को देखकर साइड में से नहीं गुजरेगा, नींबू के ऊपर पांव देकर गुजरेगा वो। किस बात का डर? हो गुरु नानक के सिख, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख, अमृत वेले उठते हो और डरे एक नींबू से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहां पर गुरु नानक का नाम आ गया, जहां पर मूल मंत्र आ गया, ऐसे कई प्रकरण दास ले चुका है और दास के जाती तौर पर तजुर्बे हैं। दास ने कई बार कथाओं में बताया है, कोई चीज असर नहीं करती, कोई चीज नहीं। ये ज्ञान ले लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, डर खत्म हो जाएगा। डरने का मूल कारण अज्ञानता। जब तक अज्ञान है तब तक डरते रहेंगे, जिस दिन ज्ञान प्रकट हो गया मुस्कुराएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।